हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। और अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आज आफ्टरनून में, 12:30 या 12:15 हो रहा होगा शायद। और हम लोग आज बहुत लेट उठे सब सो के, तो इसके लिए लेट ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ लंच, तो सिर्फ दाल राइस बना रही हूँ। दाल रखी हूँ, दाल हो गई है तो ही दाल फ्राई करने जा रही हूँ, और फिर इसके बाद राइस रख दूँगी। और सबका नहाना धोना हो गया है, मैं जस्ट अभी आ रही हूँ। चावल लेके बहुत लेट हो गया है आज, तो होता है ना कभी कभी। डेली तो हम वही करते हैं, वही रूटीन रहता है डेली का, जल्दी उठो, डस्टिंग वगैरह, साफ सफाई, पूजा पाठ। तो कभी कभी मन करता है कि थोड़ा देर तक सो लो, इसके लिए मैं कल ही बोल दी थी। मैं बोली मुझे उठाना नहीं, थोड़ा सोने देना देर तक। तो आरुष भी सोए थे और आदि भी सोई थी मुझसे पहले, तो आज लेकिन आदि आरुष उठे पहले, आरुष उठे फिर आदि उठी, फिर उसके बाद मैं उठी। थोड़ी अब उठ जाती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो चलिए फिर कर लेती हूँ दाल फ्राई, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। और हाँ, आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर थोड़ी सी भी पसंद आती है। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे दाल फ्राई करने के लिए मैं ली थी लहसुन, हरी मिर्च, जीरा और राई का तड़का था, और प्याज का, और बस थोड़ा सा मसाला ऐड की हूँ, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। और उसके बाद उसमें ऐड करी हूँ दाल, दाल चना और टुअर दाल मिक्स है। तो इसमें धनिया ऐड करके बस ढक के रख दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। और इसके बाद मैं रख दे रही हूँ राइस। और यहाँ पे दूध गर्म करी थी, तो दूध ठंडा हो गया है, बस हल्का सा गुनगुना है, तो उसमें 2-3 चम्मच दही ऐड करके मिक्स करके रख दे रही हूँ। ये शाम तक जम जाएगी अच्छी से। जब दही जमाते हैं तो दूध हल्का गुनगुना होना चाहिए, हल्का गुनगुना रहता है तो अच्छी जम जाती है। खोदा सारा गमले से तुमने? मैंगो खाए और उसका बीज लगे मनी प्लांट्स के गमले में घुसाए। अभी निकाल क्यों रहे हो बार बार? मिट्टी आ रहा है ना पूरा। आरुष हटो हटो, आरुष हट जाओ, हाँ नहीं तो मैं नीचे फेंक दूँ। छोड़ो छोड़ो, इच्छे खोदा इच्छे छोड़ो, अरे पूरा मिट्टी देख यहाँ पे डाला। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, चलो बंद करो अभी सुबह से। इतना जा रहा था, अभी वापस डालने जा रहे हो क्या? हाँ, रबड़ पानी को अब छवा दूंगा। हमेशा पानी रहोगे तो पानी को भी जाएगा, वो बढ़ेगा क्या? अच्छा है आरुष, वैसे तो पापा भी चाहते हैं। कौन समझाए, चाचू भी बनाते हैं, चाचू वैसे बनाते। आरुष बोलते हैं या तो आप मेरे बाल आपके जैसे कर दो, नहीं तो फिर आप अपने मेरे जैसे बनाओ। हाँ, आप तराकी का देख के रख के कौन से देखता ना, देख रही हूँ ना खराब की हो, बिस्तर बंद हो गया ना कराटे क्लास, तो घर पे प्रैक्टिस ऐसे ही करो बिना यूनिफॉर्म के। बस करो, बन गया है, बहुत अच्छे लग रहे हो। इतना हेल्प मत करो, नहीं तो काम करना बंद कर दोगे आरुष। चलो थोड़ी देर हो जाते। वहां कहां ले जा रहे हैं? तो मैं थोड़ी फोटो कर लेती हूँ, फिर इसके बाद जाती हूँ पोहा भीगा के आयुष पोहा बनाऊंगी। कर देती हूँ व्यवस्थित, फिर उसके बाद जाके बनाती हूँ।
मुझे ये बहुत काम बहुत भारी लगता है कपड़े फोल्ड करने का, तो ये हो जाता है ना तो बहुत राहत मिलती है। ऐसे तो यहाँ पे देखिए पोहा बन गया है, आप लोग भी आ जाइए। आप लोग बोलते होंगे कि मैं कितना पोहा बनाती हूँ, मैगी और पास्ते से तो अच्छा ही है और हेल्दी भी होता है ये पोहा, तो मैं ज़्यादातर बनाती हूँ और सबको पसंद भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे देखो चना भी गई हूँ और दूध रखी हूँ गर्म करने के लिए, तो चना अच्छे से भीग गया है तो उसका पानी निकाल के मैं अंदर रख दूँगी। चलो मेरे साथ चलो, जो सब खराब किए हो ना वो सब सही करो। चलो बैठो, हेल्प करो मेरी। टी शर्ट कैसे भी गया आपने, टी शर्ट कैसे भी गया देखो यहाँ पे। एक अगर तुम ऐसे पटक पटक के खेलोगे तो सारा डायमंड निकल जाएगा ना उसमें से। मम्मी जीत रही है, आरुष तुमने एक बार झपकाया, आरुष का 1 पॉइंट गया 5 में से, मम्मी का अभी भी पूरा 5 पॉइंट है, आरुष तुम्हारा 1 पॉइंट चला गया। और यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ प्याज है, टमाटर है और हरी मिर्च है। तो कल इडली बनाई थी तो थोड़ा सा बचा था उसका बैटर, तो उसमें ये प्याज टमाटर और हरी मिर्च ऐड करके बना दे रही हूँ। आदि को बहुत पसंद है और उसको भी, तो दोनों के लिए बना दे रही हूँ। और हम लोग के लिए सादा डोसा बना दूँगी। चटनी बनाई थी नारियल की, तो चटनी भी है फ्रिज में रख दी थी मैं, तो वही हम लोग के लिए डोसा और ये लोग के लिए उत्तपा। तो यही है आज का डिनर, जुआड़ू डिनर बिना मेहनत के होता है ना कभी कभी। और लंच तो प्रॉपर चाहिए पर डिनर में कुछ भी हल्का ले लो तो वही ठीक रहता है। पता नहीं क्या हुआ ना, आजकल फुल जीन्स और शर्ट ढूंढते, शर्ट है नहीं इनके पास, एक वाइट है मैं देती नहीं हूँ और एक पिंक कलर रखा है, देखते होंगे आप लोग बहुत पहनते हो, वही शर्ट के पीछे पड़े रहते। शर्ट मुझे पसंद नहीं है यार, उसके ऊपर अच्छा नहीं लगता मुझे, वाइट वाला अच्छा लगता है बट वाइट में पहनने को नहीं देती क्योंकि कुछ भी खाते हैं तो लगा देते हैं उसके, इसके लिए नहीं देती। शर्ट पहनेंगे और पैंट पहनेंगे फुल जीन्स, इसके बाद शूज पहन के घर में घूमेंगे और गूगल लगाएंगे, कैप पहनेंगे, फिर इतना सूट बूट पहन के फिर उन पर खेलना स्टार्ट होता है बहुत ज़्यादा। वो लिटिल सिंघम देखते हैं ना, लिटिल सिंघम देख देख के सारे शौक आए उनके अंदर इतनी गर्मी में कौन चीज़ पहनता है, इतना भी समझाओ। रात को तो मैं ज़बरदस्ती चेंज करती हूँ, कभी कभी सो जाते सोने के बाद चेंज करती हूँ, नहीं तो चेंज ही नहीं करते रहते, नहीं यही पहनना है पहन के यही सोना है। चलिए फिर करती हूँ ब्लॉग का एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।